मुख्य अरबी हैं जिनके नाम ऑलरेडी एफआईआर मध्ये है। उसके अलावा कृष्णा सिरसागर का तीसरा अरबी है। फिलहाल तीन अरबी मतलब क्लियर कट मिशमन हुआ है, एक तो ऑलरेडी अरेस्ट किया, दो है अभी थाने में। इसके अलावा और कौन कौन थे आगे के तपास में उनको पता लगेगा। हाँ उनका चौकशी साठी बोला ना, बिन मागिल चार पांच दिवस 19 तारीख से कटले, आज हम 25 में बैठे, चार पांच दिवस मध्ये सर्वांना लागलं, त्यांचे नातेवाईक मित्र मंडळी सबको, फिर उनका भी चौकशी चालू था, लेकिन पर्टिकुलरली उसी में से हमको कृष्णा मिला था, मतलब कारण कृष्णा का नाम एफआईआर में नहीं था, फिर वो चौकशी दरम्यान हमको पता लगा इसका रोल करके, एंड आगे भी हम चौकशी करेंगे और कोई है कि नहीं। किती जणांची चौकशी झाली आता? 27 लोकांचं, 27। त्याच्या पत्नीने अर्ज दिला होता की माझ्या आणि माझ्या पतीच्या जीवनाला धोका आहे, परंतु त्या अर्जाची दखल घेतली गेलेली आहे, पतीचा आरोप आहे या संदर्भात नाही। 24 उमायताच्या आपले फिर्यादीच्या वर्षने 24 तारीखला आला होता, लेकिन उसके बारे में कुछ एक्सपर्ट लिखित में कुछ नहीं है, लेकिन 25 तारीख ले तो मिसिंग होती, एंड 4/11/18 रोजी वापस आ होते, एंड उस दिन भी उसका जवाब होता पुलिस स्टेशन शिवाजीनगर मध्य, वो जवाब में भी उन्होंने कुछ नमूद नहीं किया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने तकरार दिया था, मतलब ये एक चार लोग के खिलाफ ये लोग मुझे गाली गलौज किया, एंड वो एनसी के ऊपर हमने वो फिरियादी का पिताजी शेष कुमार लाडगे उनकी उनके ऊपर हमने 149 का नोटिस दिया, एंड उसके बाद कभी वो पुलिस स्टेशन में अप्रोच नहीं किया, मतलब बेसिकली सो 4/11/18 को तब वापस आए थे, मतलब मिसिंग में शादी करके, तब उनका एनसी था, एनसी के ऊपर हमने ऑलरेडी कार्रवाई किया है। घटने पुलिस ने आज पर्यंत काय काय जब्त केले? नहीं वो एक्चुअली तपास का भाग है, वो अभी सिंस नहीं गाड़ियां दो गाड़ियां दिस ना, वो तो है हाँ। गाड़ी तो वो ऑफर हुआ, वो तो उसी दिन रात को मिला हमको, वो व्हीकल वापर हुआ था, और बाकी का वस्तु वगैरह वो तपास का भाग है, वो अभी फिलहाल उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सर क्या आपकी पूरी पुलिस टीम ने किसी एक्स मिनिस्टर के घर पे भी रेड की है इस मामले में जांच के दौरान? नहीं रेड नहीं किया, मतलब सर्च किया, हमको डाउट था, उधर सर्च किया औरंगाबाद में, हमने सर्च किया, मतलब वो सिंस थोड़ा हमको लगा था सिंस मामला सेंसिटिव, हम सर्च किया उधर। पुलिस पर इसमें बहुत पॉलिटिकल प्रेशर भी है ऐसा भी सुना जा रहा था, उसी वजह से पुलिस को 5-6 दिन लगे, और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि आपके कुछ ऑफिसर्स पॉलिटिकल लोगों के भी कांटेक्ट में थे कि भाई हमें आरोपी दे दो, जमा करवा दो, जमा करवा दो, ये मोडस कुछ समझ में नहीं आई थी? नहीं ये प्योर एलिगेशंस है इसके बारे में, इसके बारे में समझो कोई स्पष्ट आपके पास कुछ है तो हम उसके बारे में हम सोच करेंगे, लेकिन सिर्फ एलिगेशंस के ऊपर उत्तर देना मेरा काम नहीं है। मुलींनी जेव्हा तक्रार दिली होती अगोदर पोलीस स्टेशन मध्ये की आमच्या जीवितला धोका आहे त्या कुटुंबियाकडून, कुटुंबियाकडून असा शब्द प्रयोग आहे का फक्त पिता असा शब्द प्रयोग आहे वडील? मुलीने काही तक्रार लिखित स्वरूपाने दिला नाही 24 तारीखला, 4 तारीखला तब 4/11 रोजी तभी वो वापस आया था, उस दिन मैंने अभी जिसने पूछा उन्होंने थोड़ी दिया था, मतलब मिसिंग वापस आया, उनका मिसिंग में भी जवाब है, जवाब में तो कुछ नमूद नहीं है, जवाब मधे नुस्ता हमी शादी के लिए होता हमी अडल्ट हो वगैरह वगैरह, एंड उसी दिन तब वो एनसी दिया था, एंड एनसी में सिर्फ उसका पिताजी और उनका तीन नातेवाईक का नाम था, एंड उसमें उस आधार पे हमने एनसी दाखिल किया, एंड एनसी आधार पे वो मुलींचे वडील त्यांच्यावर आम्ही 149 का नोटिस त्याचे नाव नाही था ना एनसी में, नाही था एनसी मध्ये फक्त 4 व्यक्तीचे नाव होते, एक शेष कुमार लांगे, दुसरी कमल सिर सागर, तीसरी अमित वाघमारे, आणि चौथी कृष्णा सिर सागर। सगळ्या मुलीला लाईव्ह मध्ये असं सांगितलं की मी तक्रार द्यायला गेले होते, पोलिसांनी माझी तक्रार घेतलेली नाही, चौकशी दिली, मतलब वो पर्टिकुलर आरोप मतलब हमको लिखित में भी नहीं लिया वो आरोप है, लेकिन लॉजिक यही है, तब 24 तारीख को वो आए थे, 25 तारीख को मिसिंग में गया, एंड अगेन 4/11 को पुलिस का मुलाकात होती है, फिर उस समय सही में तकरार था, मतलब आई कांट डिनाई दैट, बट 4/11 को उसने कुछ बोला नहीं, जिस आधार पे उन्होंने बोला उस आधार पे हमने एनसी दाखिल भी किया है, इसका मतलब बेसिकली पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो चुका, परंतु वो पर्टिकुलर वो एलिगेशन है 24 तारीख के बारे में, फिर आओ हमने एडिशनल की बीड को पीआई के बारे में चौकशी किया है।
मागे काही गरीब श्रीमंती असा काही विषय किंवा काही दुसरं या मागे नव्हता लक्षात आले का? सॉरी रिपीट करी, सॉरी रिपीट करी सर. खुणापाडी मध्ये गरीबी आणि श्रीमंती असा विषय चर्चेला नव्हतो किंवा त्यांच्यातील म्हणजे नेमकं त्याच्या आज सर दाव्या त्याच्यावर काही त्यांनी प्राथमिक स्वरूपात आपल्याला काही माहिती दिली नाही. अभी पूछताछ चालू आहे, अभी वो अभी और तब आगे तपास में क्लियर होगा एग्जैक्टली क्यों हुआ. प्रवास करते होंगे उनके पास कुछ गाड़ी वीड़ी नहीं था मतलब, तो उस आधार पे हमने पूरे रेलवे पुलिस को बोला, पर्टिकुलरली नागपुर रेलवे पुलिस को एस पी अमो गांवकर को मैंने बात किया, फिर उन्होंने टीम को भेजा एंड मिला है गोपनीय माहिती प्लस शॉर्ट पत्री. अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत याच्यासाठी आपण बीड पोलिसांच्या वतीने काही करणार आहेत का? बेसिकली इसमें अभी विषय ऐसे है, एक घर का मामला था मतलब देखा गया तो, कारण फिरियादी और अभी मतलब बहन भाव बराबर है. हम तो कोशिश करेंगे ऐसे कुछ अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करने के बारे में, मतलब सुरक्षा के बारे में स्कूल्स कॉलेज में लेक्चर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो कैसे कितने प्रिवेंटेबल है वो हर एक इंसिडेंट वाइज हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जाके लेक्चर्स स्कूल्स कॉलेज में कंडक्ट करने के बारे में. सगळ्यांना विनंती आहे चहा कार्यक्रम वरती हॉलला कुणी जायचं नाही, चहा पाणी वरती चहा वगैरे नाश्ता चहाची थोडं प्लीज.